नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से टू स्मॉल फ्फेयर ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर प्लेस आर मीटर अपार्ट इफ वन ऑफ द चार्ज इफ वन ऑफ द स्फेयर इज टेकन अराउंड द अदर इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर्थ सवाल ये वर्क डन विल बी इक्वल टू चार ऑप्शन दिए हुए फोर्स बिटवीन देम मल्टीप्लाइड बाय आर फोर्स बिटवीन देम मल्टीप्लाइड बाय टू पाई आर या फिर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स बिटवीन देम डिवाइडेड बाय टू पाई आर या फिर ऑप्शन आपका जीरो होएगा हमें बताना है नेटवर्क डन कितना होएगा बहुत ही सिंपल सवाल है बेसिक्स पे जाएगा तो ये आपका एक चार्ज गोल गोल घूम रहा है अबाउट अ चार्ज जिसको हमने सेंटर पे रखा हुआ है नाउ इन दोनों चार्जस के बीच में जो फोर्स है अट्रैक्शन ऑफ फोर्स वो होएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी डायरेक्शन इतनी है Uh, इस फोर्स की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आई क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इस डायरेक्शन में आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं Now, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है तो उस वाले केस में वर्क डन आपका ज़ीरो होएगा क्योंकि हम कहते हैं डन इज एफ डॉट डी एस जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको आप लिखते हैं एफ एस कॉस्टा और यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा एंगल है वो 90 डिग्री का है सो so, थीटा आपका जीरो हो जाएगा तो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो हैंस ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर